हेलो, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है, क्या चैलेंजेस सच में हमें ग्रोथ दिलाती है। तो चलिए हम इसके मैटर को समझते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों चैलेंजेस हमें ग्रोथ दिलाते हैं। एग्जांपल लेता हूं, हम सिर्फ वॉकिंग करते रहते हैं, हम एक साल, दो साल, तीन साल तक सिर्फ वॉकिंग करते आगे जा रहे हैं। अब रोजाना वॉकिंग करना ये चैलेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको कहूं कि चलिए आप रोजाना वॉकिंग करते हैं, आपके पैरों को चलने की आदत है, आप ट्रैक करके दिखाइए। अभी ट्रैक और वॉकिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रैक पर हम बोलेंगे चढ़ना होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे पैरों का मूवमेंट तो वॉकिंग जैसा है, लेकिन अलग एंगल में है। अगर हम वो ट्रैक वाला चैलेंज नहीं स्वीकारते हैं और हम सिर्फ वॉकिंग करते रहते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे पैरों को ट्रैक करने की आदत नहीं लगेगी। लेकिन एक बार जब आप ट्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी वॉकिंग की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे रोजाना के काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। और अगर हमारे रोजाना के काम बहुत ही आसान हो गए तो फिर हम हमारे ग्रोथ की तरफ आसानी से बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि रोजाना के काम अभी आपको कहीं ना कहीं बिजनेस या आपको पैसा दिला रहा है। और उसी काम को जब हम आसान बना लेंगे, बेहतरीन बना लेंगे, तो वो बिजनेस करना, वो पैसा मिलना हमारे लिए आसान हो जाएगा और वो हमें ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। अब हम यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ट्रैक करने का आपके मन में आ चुका है, जैसे आपके मन में ग्रोथ करने के बारे में तो पहले ही आ चुका है कि हमें ग्रो करना है, हमें ग्रोथ करना है, वो पहले ही मन में आ चुका है। उसी तरह से ट्रैक करने का आपके मन में आ चुका है और आप वहां पहाड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर पहाड़ को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैंने उसे सही से कर लिया तो क्या होगा? अगर मैं जल्दी गिर गया, कुछ लग गई, मुझे प्यास लग गई, मुझे ठंड लग गई, या जो कुछ भी अनेक बहाने, एक्सक्यूज आपके मन में आ रहे हैं, ये सब कुछ अगर आपने उस पहाड़ पर ट्रैक करने के पहले सोचना शुरू कर दिया तो क्या आप ट्रैक कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब वापस हम जाते हैं ट्रैक वाले एग्जांपल पे। अब उस ट्रैक वाले एग्जांपल में आपने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये ट्रैक करना है, एक मन बना लिया, और आप जैसे ही उस रास्ते पर चल पड़े आपको मालूम चलेगा ये तो आसान है, इजी है, हो सकता है, और हम अभी तक क्यों उसके बारे में नहीं सोच पा रहे थे? ये तब मन में आएगा जब उस पर चलना आप शुरू कर देंगे। अब चैलेंजेस पर चलना शुरू करना है या चैलेंजेस को देख करके एक्सक्यूजेस बनाने हैं, वो हमारे हाथ में है। अगर हम उन चैलेंजेस को देख करके सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि ये कैसे होगा और हम ट्राई ही नहीं करेंगे, तब हमें उसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप सर्विस करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आपका जीवन चैलेंजेस से भरा होना चाहिए, क्योंकि जब वो चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा तब आप एक्चुअल ग्रोथ को फील कर पाएंगे। एक बार सोच के देखिए, आपने पहली बार कोई ट्रैक को पूरा किया है और उस ट्रैक को पूरा करके आप जब ऊपर पहुंचते हैं, उसके पीक पर पहुंच जाते हैं, उस ट्रैक को करते वक्त कैसा महसूस करते हैं? और जब एक बार आप ट्रैक को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद चाहे कितने भी बड़े ट्रैक हो, क्या आपके अंदर उसे करने का कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है? डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ट्राई करेंगे। दोस्तों, चैलेंजेस से दूर मत भागिए, अपना जीवन चैलेंजेस से भरा हुआ रखिए, जहां पर नए नए चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करते हैं, पूरा करते हैं, उसे पूरा करके उस चैलेंज को डेलीगेट कर देते हैं। आपके बिजनेस के चैलेंजेस को डेलीगेट करने के बाद नए चैलेंज की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और उन नए चैलेंजेस को अपने जीवन में ला करके वो बदलाव, वो ग्रोथ आप करते हैं जो आपके सपनों में है।
ऑल द बेस्ट। कहीं भी कोई भी सवाल हो, बिना हिचकिचाए, बिना सोचे हुए कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसका जवाब मैं आपको दूंगा और आपके उन चैलेंजेस को आप कैसे दूर कर सकते हैं मैं बताऊंगा। मैं अखिल बायती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।